सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने एक स्टैंडिंग कल्चर जो कि हम जिसको हम बड़ा नॉर्मली लेते थे, लाइक टीचर के आगे खड़े हो जाना, क्लैपिंग है पे हम खड़े होते हैं और फ्लैग को देखकर जो हम सल्यूट कर रहे होते हैं, क्या ये सब भी ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, उलट काम है। इस्लाम तो इसके टोटली खिलाफ है। इस्लाम तो आई इसीलिए था ताकि आप किसी एक ऐसी हरकत को ना शुरू कर दें कि जो अल्लाह ताला ने इंसान की अपनी नफसियात को सप्रेस करने के लिए आपस में शुरू कर दी भी। अल्लाह ताला तो उस नफसियात को खोल के आजाद करते हैं उसको, ठीक है। अल्लाह ताला के अलावा किसी का काम नहीं करता इंसान। सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के सामने नहीं खड़े होते थे, अगर अनस की हदीस आप पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। फिर एक और हदीस आपको सुनाऊंगे। नबी अलैहिस्सलाम जब एक दफा तबीयत उनकी नासाज थी, छड़ी लेके दाखिल हुए कमरे में, तो सहाबी खड़े हो गए। अब वो इसलिए नहीं खड़े हुए कि नबी इस्लाम ने कभी पहले कहा और पहले खड़े हुए, अचानक खड़े हुए इसलिए कि पहली दफा उन्होंने देखा था कि नबी इस्लाम छड़ी लेके खड़े दाखिल हुए। तो नबी इस्लाम ने उनको फिर डांटते हुए कहा कि ये क्या तुमने अजमी जाहिलों की तरह अपने बुजुर्गों की तकरीम में खड़े होने की आदत शुरू कर दी। ये अल्फाज हैं, बुजुर्गों की तकरीम में खड़े हो जाने की जहालत, ये कब से शुरू की है तुमने? तो सर, इसको छोटे लेवल पे ये कह सकते हैं कि ये शिर्क है इस तरह से? मैं ये चल शिर्क शुरू ऐसे ही होगा, मगर शिर्क यहाँ पे बजाहिर शिर्क लग रहा है, मगर वो फतवे में आ जाएगी बात। मगर आपकी नफसियात को तो ताबे कर लिया उस बंदे ने जिसके लिए आप खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये तालियां बजाना तो रियाकारी की दावत, इससे बड़ी क्या नफ्स परवरी होनी कि लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। तारीफ के लिए कौन सा ऐसा रास्ता है जो तारीफ के लिए खोल दिया गया हो और इंसान उससे खराब और तबाह ना हो जाए? ये सोचें तो सही, नबी सलाम से हदीस से शाह फरमाए सभी तालियां बजा रहे हो, मतलब सोचें सोचें जरा किस किस्म के काम शुरू कर दिए हम लोगों ने। तो और कहते क्या है, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट कहते हैं बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, दिमाग पनपता है। इसे दिमाग नहीं पनपता, सिर्फ डोपामिन पनपती है दिमाग के अंदर, बाकी की सब चीजें तबाह कर देता है डोपामिन का सेंटर डायलेशन है। सर, ये ये जो तालियां फिर बजाना तालियों वाला जो कल्चर है इतना, ये कैसे, मतलब कैसे, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि खत्म किया जा सके? कि अब तो सबके ही माइंड में तकरीबन ये कि अप्रिसिएट करना है किसी को, अप्रिसिएशन में तो अब तालियां बजानी है, खड़ा होना है, और इसको फिर अदब का नाम दिया जाता है। तालियों को तो खैर अदब का नाम नहीं दिया जाता, मगर रोकेंगे बस, मुंह से ही रोकेंगे और क्या कर सकते हैं। इन लोगों को मना करें, स्पेशली जिसके लिए तालियां बजनी हो वो मना करे तो ज्यादा अफेक्टिव है। जिसके लिए तालियां नहीं बजती हो उनकी तो बात ही नहीं सुनते ना लोग, तो वही लोग करेंगे जो रियाकारी के डर से, अल्लाह के डरने वाले हैं, रियाकारी के डर से मना करेंगे कि ये क्या हरकत कर रहे हो, मेरे लिए तालियों को बजा रहे हो ऐसी। और ये कोई बड़ा लेवल नहीं है, आम सा बंदा भी ऐसी हरकतें करेगा, ये कोई बड़े वलीउल्लाह का काम नहीं है, ठीक है। माँ बाप शुरू थैंक यू करेंगे बच्चों सर। से,